बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सोकिया जीपीएस के एक नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वीडियो में हम कंट्रोलर के फर्स्ट डिस्प्ले के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने जो है वो सोकिया जीपीएस RX2 का जो कंट्रोलर है वो ऑन करके रखा हुआ है। तो फर्स्ट डिस्प्ले में आप देखें तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो कुछ नज़र आएंगी, जो इसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन की हैं चीज़ें। तो सबसे ऊपर जो है वो राइट साइड पे हमारा बैटरी का ऑप्शन है कि हमारे कंट्रोलर की कितनी बैटरी है। उसके बाद जो है वो इसका स्पीकर है, कंट्रोलर का स्पीकर है। उसके बाद जो है वो हमारा नीचे जो है वो सबसे पहला ऑप्शन है डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम की कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखें, उसके ऊपर डबल क्लिक करने से हमारा वो ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ देखें, हमने अपना जो है वो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो रियाज के मुताबिक सेट किया हुआ है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ आप रह रहे हैं उसके मुताबिक आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं, अपना रीजन जो है वो उसके अपने रीजन के मुताबिक अपना टाइम सेट कर सकते हैं। तो टाइम को चेंज करने के लिए आप उसी के फिगर के ऊपर जाकर डबल क्लिक करेंगे और साथ में जो है वो अप डाउन एरो के साथ आप उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के बाद राइट साइड पे ओके के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें जो है वो यस और नो का ऑप्शन मिलता है। तो हमने टाइम एंड डेट की सेटिंग के बाद अपने जाना है नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ देखिए हमारा अभी ऑफ है, जहाँ ब्लूटूथ लिखा हुआ है ब्लू कलर में, हमने उसके ऊपर डबल क्लिक करना है तो हमारा ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्लोज बटन की तरफ। क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे। तो ये जी देखें, अभी नेक्स्ट ऑप्शन हमारा गेटिंग स्टार्टेड है। तो गेटिंग स्टार्टेड में आप देखेंगे तो जो है वो हमारा सेटअप ईमेल है। यहाँ हम अपना जो है वो ईमेल अकाउंट एंटर करके उसको साइन इन कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ दोस्तों हम जो है वो अपना अकाउंट ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद, पासवर्ड देने के बाद उसको साइन इन कर सकते हैं। तो मैं अभी अकाउंट जो है वो नहीं एंटर कर रहा। उसके बाद जो अपना हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो सेटअप डिवाइस है, जो है हम उस डिवाइस को अपने को पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो मैं अभी इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, इसको पासवर्ड नहीं लगा रहा। उसके बाद ओके बटन को क्लिक करते हुए हमने चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो ये नीचे जो चीज़ें हैं अभी जो है वो हमें इनके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है जो नीचे मैसेज का ऑप्शन है, ये आपकी ईमेल अगर सेटअप अपना किया हुआ है, आपने ईमेल अपनी जो है वो साइन इन की हुई है, तो इसमें आपको उसके मैसेज आते रहेंगे। तो लास्ट में चलते हैं हम अपने डिवाइस के बारे में देखते हैं, जो हमारा लॉक्ड और अनलॉक्ड का ऑप्शन है। तो देखें, मैंने इसको जब डिवाइस को अपने को लॉक किया है तो आप स्टार्ट बटन पर क्लिक भी करते रहें तो आपका डिवाइस आगे ओपन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसको डिवाइस को अनलॉक ही रहने देता हूँ। अनलॉक करने के बाद जो है वो अब स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो तब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन ऑन होगा। ये था इसका फर्स्ट डिस्प्ले। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।